What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. So right now it's 11:55 and I thought ki bhai sab 12 baje but 12 nahi baje 11:55 hui hai and leaving for office. Isko karte hai cold start, light off kar dete hai, nikalte hai. आज शाम को आते होते इसमें फीलिंग भी करवा लूँगा क्योंकि फीलिंग खत्म होने को आया है, तो इट्स बेटर कि वैसे फील करवा लूँ. एंड अभी टाइम नहीं है वरना अभी करवा लेता एंड निकलता अभी घर से. सो गाइज फाइनली निकल चुके हैं घर से और सोचा नहीं था भाई कि इतना जल्दी अपना वीकेंड हो जाएगा ख़त्म. और लिटरली बोलू गाइज कल का जो मैंने व्लॉग बनाया था जो आज पब्लिश करने वाला हूँ मैं, और पब्लिश करने से याद आया भाई साहब मैंने अभी तक व्लॉग को शेड्यूल नहीं किया है और मैं भी चल रहा हूँ लेट, सिर्फ 5 मिनट बाकी है 12 बजने में. तो मेरे को एज सुन एज पॉसिबल मेरे को वो करना पड़ेगा वरना भाई साहब मेरा तो हालत ख़राब हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी. सो इट्स बेटर कि भाई साहब मैं कहीं पर भी रुक के व्लॉग को कर दूँ लाइव. और तो और साथ में एक चीज़ और है कि वीकेंड मेरा गया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, पापा के साथ टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम था. एंड आज जैसे को मेरे को सुनने में मिल रहा वहाँ पे हो रही है बारिश और अच्छा हुआ मैं वहाँ से टाइम से निकल गया. अगर मैं टाइम से नहीं निकला होता तो भाई साहब मैं फंस जाता बारिश में और यहाँ पे भाई साहब छुट्टियाँ तो पड़ ही जाती और दिक्कत विक्कत और आ जाती वो अलग से, क्योंकि वैसे भी मेरी दिक्कतें चल रही है अभी ऑफिस में. और दिक्कत इन द सेंस चल रहा है मेरा जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें दिक्कत चल रही है. और तो और अभी मुझे जाना है ऑफिस. आज मेरे को मेजरली 2-3 चीज़ों के बारे में बात बात करनी है तो वो सारी बात बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहला तो है कि मेरा जिंग एचआर जो है वो नहीं चल रहा है अभी. उसका रीज़न पता नहीं क्या है क्या नहीं. लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरे को पिछला 4 दिन से मेरा एबसेंट दिखा रहा है एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि वो बहुत दिक्कत दे देता है एंड मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि भाई वो चीज़ होवे मेरे साथ. और तो और मैं सोच रहा हूँ कि फर्दर मैं अभी मानसून आ रहा है तो मानसून में भी क्या करूँगा, क्योंकि ऑफिस जाना होता है तो भाई साहब गीले होके तो नहीं जा सकते, उसका भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा. जिंग एचआर के बारे में आज तो मैं बात कर लूँगा और ऑफिस नज़दीक में ही है, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर है फ्रॉम माई लोकल डेस्टिनेशन. एंड ये जो बंदा था ना वो अपने को ठोकते ठोकते रह गया, अच्छा था अपना व्लॉगिंग के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों में भी ध्यान रहता है तो दिक्कत नहीं रहती. बाकी मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी चीज़ की वजह से होते हैं कि लोग जो है वो कैसे भी कहीं पर भी बिना देखे चलाते रहते हैं और ब्लॉक कर देते हैं और ठुक जाते हैं और फिर बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर दूसरों की गलतियाँ निकालेंगे, तमाशा करेंगे और वो व्लॉग बनाकर डाल देंगे और वो व्लॉग से उन लोगों को व्यूज़ मिल जाएंगे और फेमस हो जाएंगे. भाई सच बोलिए ऐसी घटिया चीप पब्लिसिटी करने का क्या ही मतलब होता है यार. मैंने आप लोगों को बताया कुछ टाइम पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें लिटरली रोड के बीच में लोग झगड़ रहे थे, आप लोगों ने देखा ही होगा. बट मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा वो व्लॉग को इतना ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे. दूसरा ये कि उसके अलावा भी एक चीज़ और हुई थी, मेरे को ऑफिस जा रहा था और एक बंदे ने आके पीपीपीपी कर रहा था, मैंने उसको जाने की जगह दी फिर भी हो गया नहीं और फिर दिक्कत हो गई थी. तो ये वही सारी चीज़ें का दिक्कतें आ जाती है, ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं करना चाहिए. और मेरे को रोकना पड़ेगा बाइक को कहीं पर साइड में एंड करना पड़ेगा व्लॉग लाइव वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी. वैसे भी 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट की देर है तो बाइक को रोकते हैं एंड करते हैं अपना व्लॉग को लाइव. सो गाइस एज यूजुअल मैं अपना व्लॉग लाइव करना भूल गया था तो इसको कर देते हैं लाइव जल्दी से एंड फिर चलेंगे ऑफिस. भाई साहब आज बहुत ज़्यादा ही मैं पसड़ में मच गया था तो एक बार इसको करते हैं लाइव उसके बाद आप लोगों को सुनाते हैं. सो फाइनली व्लॉग कर दिया है लाइव एंड लेट्स लीव, इसमें गाड़ी नहीं आ रही है, देखना नेसेसरी है हमेशा, ठोक देगा कोई पीछे से. सो यस गाइज अपना फाइनली रिकॉर्ड भी तो बनता रहता है, लाइक आई डोंट नो कि मैं 365 डेज 365 व्लॉग कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. एंड मेरा इतना है भी नहीं कि मेरे को 365 डेज़
करना ही करना है, ये तो मुझसे हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ। और कल का वीडियो मेरे को थोड़ी सी खींचातानी हो गई थी, बट कभी कभी तो चलता है, कभी कभी तो मैनेज करना पड़ता है। बाकी रेगुलरली मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ उसमें मैं आराम से बना रहा हूँ, एडिट कर पा रहा हूँ एंड एवरीथिंग, बट यस मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम होता है क्योंकि मेरे को बनाना पड़ता है दो दो वीडियोज़, वन इज़ फॉर दी लॉन्ग फॉर्मेट एंड वन इज़ फॉर द शॉर्ट फॉर्मेट, तो दोनों के लिए मेरे को देखना पड़ता है। सो यस अभी का सीन वो है एंड देखते देखते अपने ऑफिस भी पहुँचने को आए हैं, तो यस चलते हैं ऑफिस, सारा काम हम निपटाते हैं एंड आप सभी लोगों को मिलूंगा डायरेक्टली शाम को। और आज एक फ्रेंड का बर्थडे है तो उसको भी मिलना जाना, तो वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बट वो आएगी मेरे मिनी व्लॉग में, इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ मोटो व्लॉगिंग ही आएगा। बाकी चलते हैं अभी यहाँ से, करते ऑफिस का काम एंड उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों को डायरेक्टली शाम को। सो यस गाइज, राइट नाउ आई हैव लेफ्ट फ्रॉम दी ऑफिस एंड मैं अभी दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। तो यस गाइज अभी का सीन ये है कि मेरे को जाना है एक फ्रेंड के बर्थडे पे एंड वो आ रहा है, एक हम लोग उसको मिलने जा रहे हैं एंड मैं अकेला नहीं हूँ, मैं रवि रौनक, और आज है कृष्णा का बर्थडे लाइक 12 बजे के बाद, तो हम लोग करने वाले हैं केक कट और बाकी सारी चीज़ें। तो सोचा है, कुछ प्लान किया हुआ है उन लोगों ने, तो लेट्स गो एंड उसको विश भी करेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी निपटाएंगे। और रवि के पास मेरे को एक दो चीज़ की बात और करनी है, तो उसके चीज़ के उस चीज़ के बारे में भी हम लोग जाएंगे। और बाकी अभी अपने चलते हैं एंड बाकी गाइज आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और आज मेरे को जिस चीज़ के लिए बात करना था वो तो हो ही नहीं पाई, बट देखते हैं कैसा अपना रहता है आगे का, क्योंकि मेरे को आज मेरे को जाना था, मैं गया भी था बट कंसर्न पर्सन जो था वो अवेलेबल नहीं था। मैंने मेल किया तो मेल में मुझे रिवर्ट मिला कि यू कैन कम टुमारो एंड क्लैरिफाई दी थिंग्स एंड एवरीथिंग। सो मैंने बोला भाई ऐसे एक एक दिन आगे बढ़ाते जाने का कुछ भी मतलब नहीं है, सो आई हैव आस्क्ड देम टू गिव मी दी रिवर्ट ओवर दी मेल ओनली, मैं पर्सनली जाके बात नहीं करूँगा। अभी मेरे को कुछ भी रहता है तो मैंने एक चीज़ सीख ली है, अगर आपका कोई अच्छे से अच्छा दोस्त भी क्यों ना हो, राइट इट डाउन एंड उनसे लिखित में ले लो भाई, क्योंकि मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ है ना प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं क्या ही बताऊं। और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि भाई मैं ऐसा कभी होने भी दूंगा, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उससे कुछ अपने को सीख मिलती है एंड उसकी वजह से अभी मैं यहाँ पे हूँ। सो यस आई एम टेकिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन दी नोट, सो इट विल बी बेटर फॉर अस एंड बाकी लेट्स गो एंड मिलते हैं कृष्णा को और उन लोगों को। और बाकी अभी मैं वहाँ पे जाके ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि भाई हम लोग अपना टाइम भी एंजॉय करना होता है, दोस्तों के साथ रहते हैं तो मैं ज़्यादा व्लॉग करना प्रीफर भी नहीं करता हूँ। सो यस आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप सभी लोगों को मिलूंगा मैं एक ऐसे ही किसी नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे फिट, सी एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग, साइनिंग ऑफ दिशांत।